ये देखें जी, लग रहा है ना आप लोगों को ये मेहमानों ने आना है। अच्छा जी, अपडेट इस तरह से है कि अभी तक जो है ना सिर्फ हम लोग किचन में ही मिलती हैं, अभी तक खाना तो नहीं बन रहा। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो आप लोगों को दिखाने वाला हो, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस टाइम हमारा खाना कहाँ पहुँचा है। दे रहे हैं, ठहर जा। मैं इतना ज़्यादा वाला थक गई हूँ ना, खाना मैंने खा लिया लेकिन मैं इतना थक गई हूँ कि वो बोतल पड़ी है कोक की, मेरे इतना सा फासला और वो बोतल पड़ी है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं इस टाइम है कि मैं अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे सब, उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी, आज हम लोग जो है संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा बिजी है। जैसे कि मैंने आप लोगों के कल के व्लॉग में बताया था कि हमारे कुछ फैमिली गेस्ट ने आना है, तो आज जो दिन है वो बहुत 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 बिजी होने वाला है। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा हंडियाँ बननी है और किचन में बहुत ज़्यादा मसरूफियात है। तो अभी हमारे कुछ गेस्ट जो हमारे अपनी फैमिली के हैं वो आ चुके हैं, नीचे चलते हैं, उनसे मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद दूसरी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो कुछ मैं रिकॉर्ड कर सकूँगी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि बहुत बिजी डे है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी से नीचे जाके, तो लेट्स गो। होते हैं चले जी, यहाँ से पकड़ते हैं हिंदा का ये सामान, वाइप्स और दो तीन पैम्पर्स, क्योंकि आज हम नीचे ही रहने वाले हैं। वो खुद नीचे चली गई, ये हो गए पैम्पर्स और वाइप्स। अच्छा जी, तो अभी जो है हम लोग काम शाम करने लगे हैं स्टार्ट अपना, क्योंकि आप लोगों को पता है गेस्ट ने आना है, तो अभी से तैयारियां शुरू करेंगे। तो हमारी शाम तक जाकर कहीं तैयारियां होंगी, तो जो है ना इधर हमारी 12 बजे गैस आती है, तो 12 बजे तक जो है ना हम अपने मसाले वगैरह रेडी करते हैं ताकि 12 बजे गैस आए तो हम हंडिया वगैरह को फटाफट चढ़ा दें। अंदर जो है ना वो लहसुन बन रहा है, अदरक बन रहा है, और इधर जो है ना मैं ये टमाटर बनाने लगी हूँ, और इधर भाजी जो है ना बर्तन धो रही है। ये सारे घर के काम अभी चल रहे हैं, जैसे ही ये ख़त्म होते हैं उसके बाद हंडियों की तरफ आते हैं, फिर मेन मेन चीज़ें आप लोगों को दिखाते जाएंगे। ये देखें जी, लग रहा है ना आप लोगों को ये मेहमानों ने आना है, पता लग रहा है घर देख के घर की ऐसी हालत नहीं पड़ी है। अच्छा, इधर जाना हम लोगों ने बड़ा गोश्त भी धो लिया, छोटा गोश्त भी धो लिया, और इधर चिकन जो है वॉश हो रहा है, वो टमाटर बन गया, अदरक लहसुन जो है वो अभी बन रहा है, और ये दही आ गया, दही को निकाल के उसके बाद अपने अंडों को फ्रिज में रखते हैं, और अभी फ़िलहाल तो ये काम चल रहा है। दे रहे हैं, ठहर जा। बस ये है जी घरेलू काम, पकने अभियान, बकरेगा। अच्छा जी, अपडेट इस तरह से है कि अभी तक जो है ना सिर्फ हम लोग किचन में ही मिलती हैं, अभी तक खाना तो नहीं बन रहा। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो आप लोगों को दिखाने वाला हो, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस टाइम हमारा खाना कहाँ पहुँचा है। और वो ये है जी, ये हमारा छोटा गोश्त था, ठीक है, और धुएँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इधर मैंने बड़ा गोश्त रखा है, और इधर साथ साथ जो है ना अब इसकी प्रिपरेशन हो रही है, ये सारा कुछ जो है ना अभी होने वाला है, वो चिकन अभी बनना है। तो आप लोग जो है ना देखते रहे वीडियो को, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करते रहे, इंशाल्लाह जो कुछ होगा मैं साथ साथ दिखाती हूं। इधर जो है ना हमारा ये मटन रेडी हो चुका है, और बस चेक कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और इधर जो है ना वो चिकन रेडी होने लगा है, ये छोटा गोश्त जो है वो गल गया। इधर जी हमारा ये चिकन भी रेडी हो चुका है, इट लुक सो यम्मी, और दो हंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा जी, इधर जो है ना मैंने अभी भी कपड़े शपड़े चेंज किए हैं जाके, क्योंकि फ्री हुए थे खाना शाना बना के, तो जो है ना सारे कपड़ों में से स्मेल आने लग गई थी उसकी, मसालों वगैरह की। हिंजा को भी रेडी कर दिया, खुद भी रेडी हो गए हैं, और अब जो है ना गेस्ट का वेट हो रहा है, बट सिर्फ जो पुलाव रह गया था ना यखनी वाला वो बन रहा है और वो बनेगा, उसके बाद हमारा खाना डन हो जाएगा। देन उसके बाद जो है हमें मेहमानों का वेट करेंगे, जैसे वो आएंगे उनको सर्व करेंगे खाना शाना, तो बाकी एवरीथिंग इज़ रेडी राइट नाउ। अच्छा जी, तो सब कुछ रेडी हो गया तकरीबन, और अभी जो है ना ये चावल चावल जो है हमारे जमते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं जैसे रेडी हो जाते हैं, तो और दो सालन है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ
मैं नहीं खादा आंटी सारे मैं बेचारी एक खान नहीं आ आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था। अभी जो है ना हमारे गेस्ट वगैरह गए हैं, उसके बाद हम लोग कुछ जो गेस्ट थे जिन्होंने हमारे गेस्ट ने सुबह जाना है उनके साथ थोड़ा टाइम वगैरह स्पेंड कर रहे थे, और जरा खाना शाना जो हमने नहीं खाया था, हमने बनाया जरूर था लेकिन हमने खाया नहीं था, वो भी खाया है। और अभी जो है ना वेले चले हुए हैं, अभी मैं ऊपर आई हूँ लेकिन अभी मुझे नजर आया कि फाइनल अभी आके सोने वाला काम इधर है नहीं, क्योंकि इधर मेरे लिए एक और काम पड़ा हुआ है और वो काम ये है कि नीचे जाके पानी की बोतल दोबारा से भर के लानी। तो चल के पानी की बोतल भरते हैं और ऊपर आते हैं दोबारा से, और उसके बाद जो है अपने सोने की तैयारी करते हैं। और जी लेने में गई थी कुछ और लेके मैं आई हूँ नान और साथ एक चिकन का सालन, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं, भूख भी लग गई है दोबारा। तो अभी जो है ना मैं फटाफट से ये खाना खाती हूँ और देन उसके बाद जो है ना ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम हो जाता है। यार मैं इतना ज्यादा वाला थक गई हूँ ना, खाना मैंने खा लिया लेकिन मैं इतना थक गई हूँ कि वो बोतल पड़ी है कोक की, मेरे इतना सा फासला है और वो बोतल पड़ी है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं इस टाइम है कि मैं ये टांग नीचे उतारूँ और वो बोतल पकड़ लूँ। सच्ची इस टाइम बहुत ज़्यादा वाली थकावट हो गई है, टकगा के वाली थकावट हुई है। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मशक्कतों के बाद एक टांग नीचे रखने के बाद मैंने जो है ना ये पकड़ ही ली है बोतल, और उधर जो है ना यान ये क्या फजूल की चीजें देखते रहते हो, ना इसकी कोई सेंस है, क्या है ये, क्या देख रहे हो है? सुबह स्कूल नहीं जाना आपने? नहीं। जाना है? नहीं। जल्दी से सो जाओ, अब रात का टाइम देखा क्या हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना फिर। सो जाओ फिर, मैं फिर नहीं भेजूंगी, सो जाओ, जागोगे तो मैं भेजूंगी, नीचे होके लेटो, चलो शाबाश, सही से होकर सुरेश। जी अब जो है ना थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, तो क्योंकि मेरी स्किन की हालत ख़राब हो चुकी है तो मैं ये गार्नियर का जो है ना क्लेंजर यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्लेंजर है, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लो आ जाती है आपकी स्किन के ऊपर, मेरे लिए तो बहुत सूटेबल है। और अगर आप कोई अच्छा क्लेंजर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लिनजिंग के बाद जो है वो सेकेंड स्टेप ये वाला स्क्रब आता है, एसलीव का ब्लैक हेड क्लियरिंग स्क्रब है, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे स्क्रब बहुत मुश्किल से सूट करते हैं क्योंकि मेरी स्किन स्क्रबिंग के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि आपके सारे ब्लैक हेड भी रिमूव कर देता है और इससे आपकी स्किन भी बिल्कुल ड्राई नहीं होती, ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा ग्लोई रहती है। वो क्लेंजर और उसके बाद ये ब्लैक हेड स्क्रब रिमूविंग, ब्लैक हेड रिमूविंग स्क्रब, ये दोनों चीज़ें आप वीक में दो दफ़ा यूज़ करें और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अच्छा जी तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जल्दी से जाके कर दें ताकि आने वाले मजीद व्लॉग्स जो है ना वो आप लोगों को नोटिफिकेशंस के थ्रू मिल सकें। और जी मुझे जल्दी से बताइएगा कि हम गोलगप्पा चैलेंज करें या ना करें, मुझे सिर्फ एक कमेंट आया अभी तक, सिर्फ एक बंदे ने कहा कि गोलगप्पा चैलेंज करें और किसी ने नहीं कहा, तो जैसे ही आप लोगों के कमेंट्स की बरसात हो जाएगी वैसे ही मैं जो हूँ गोलगप्पा चैलेंज की तहमत करना शुरू कर दूंगी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।